global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. फैमिली है हमारे एंड इनके साथ मज़ा आता है इनके साथ रह के एंड बस और यही कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली है। मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि बाबा ने बताया फैमिली है लेकिन बाबा यारों के यार दैट्स पूरी इंडस्ट्री में वो यारों के यार के नाम से मशहूर है। थैंक यू। हम लोग सब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और बाकी हमारे प्यारे ऑडियंस के हाथ में रहता है, लेकिन हम लोग सब मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको पसंद आया कैरेक्टर। KGF पानीपत सबका इंटरव्यू नहीं है, ये आनंद जी का बर्थडे है तो लेट्स। थैंक यू। बहुत अच्छा है।
आनंद जी के साथ आपकी मेमोरी क्या है वो बताएं। आनंद भाई कभी कभी डांट भी देते हैं लेकिन वो अच्छा लगता है प्यार से। वैसे तो हर साल पे इतना बड़ा जश्न नहीं करते लेकिन इस टाइम लोगों ने बोला था कि मेरी पहले ही दिवाली पार्टी में हमेशा म्यूज़िक होता है और अदरवाइज हर पार्टी में एक कोई थीम पर्टिकुलर होती नहीं है और मैं म्यूज़िक का बहुत दीवाना हूँ। सो आज हमने सोचा कि बर्थडे पार्टी को कन्वर्ट करते हैं एक म्यूज़िक फिएस्टा में। सो काफ़ी मंजे हुए अपने बॉलीवुड के जो कलाकार है उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। नहीं मैंने ये सोचा कि हर साल पे एक म्यूज़िक का ये महफिल लगाई जाए और वो ऑलमोस्ट सुबह तक चले और जिससे काफ़ी म्यूज़िक का लाइव इंटरेक्शन हो और ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, ये एक महफिल जैसा है, अनप्लग प्रोग्राम रहेगा। पापा पहले तो हमारे पापा हैं, सो देयर इज एन अनडाइंग लव देयर। ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन और हार्ड वर्किंग पीपल दैट वी नो, वी बोथ नो, आई एम श्योर वी कैन से दैट। एंड सबसे जेन्युइन सोल है उनकी, देयर इज नो प्रिटेंस, ही इज एन ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वी लव हिम, ही इज आवर पापा। सो we definitely want to keep Anand Pandit motion pictures going, you know, it's our dream as much as it is his backing, so definitely want to support Anand Pandit motion pictures. Exactly as she says, and we definitely believe that since we do want to take Anand Pandit motion pictures forward, we will do something, you know, in something. Definitely keep it going. Yeah. Keep it going, Anand ji, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, जैसे दोनों बच्चों ने बोला उस हिसाब से मेरा कोई प्रेशर नहीं है। मेरे रियल एस्टेट का बिज़नेस है और मेरा फिल्मों का बिज़नेस है, तो उन दोनों को इंटरेस्ट है फिल्म बिज़नेस में, सो दे विल बी टेकिंग द फॉर्मल एजुकेशन इन फिल्म मेकिंग और डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। एक ही है कि हार्डवर्क का कोई और दूसरा कोई चारा नहीं है, सो दे विल हैव टू पुट इन ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे और कोई पहचान कोई पुश पुल इसमें काम नहीं करता है। जैसा कि हमने पहले भी पूछा कि 2019 की आपकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, 2020 में आप मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी बढ़ जाती है और कौन-कौन सी फिल्मों का अनाउंसमेंट होगा अगर आप बता सकें? मेरी तीन फिल्में हैं जो हमारा प्रोडक्शन है, एक बच्चन साहब और इमरान हाशमी जी के साथ में है, जो हमने चेहरे जो हमने अभी कंप्लीट किए, रूमी जाफरी जी ने उसको डायरेक्ट किया है। सेकंड अजय देवगन जी के साथ में हमने को प्रोड्यूस किया है, अभिषेक बच्चन है उसमें द बिग बुल करके, और तीसरी हम करीब 4-5 दिन में अनाउंस करेंगे और वो भी बड़ी फिल्म है और वो भी कॉमेडी फिल्म है और हम फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं उसकी। हम सब जानते हैं बच्चन साहब बहुत ही प्रोफेशनल है और मेरे लिए तो बच्चन साहब वही विजय है जो त्रिशूल दीवार में रहा करते थे, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए तो मानसिकता वही है कि वही एंग्री यंग मैन। और हकीकत में अभी हमारा लास्ट शेड्यूल था स्लोवाकिया में
और -14 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत सारा बर्फ था, उसमें भी बच्चन साहब ने हर मौके पे ये प्रूव किया कि आज भी वो नौजवान है। थैंक यू। आप सब आए, खाना भी खाइए एंड एंजॉय, एंड प्लीज केक रखा हुआ है एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए इसलिए थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।